आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ट्रूके कंपनी भी एक बहुत अच्छा कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा कर रही है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एयरफोन्स है, बहुत सारे एयरबड्स इसने लॉन्च करके रखे हैं। तो मैं जब देखा इसके ऊपर, जब मैंने नज़र डाला, मैं बोला कि इसके भी एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज़ ये भी एक नया ब्रांड है और नया ब्रांड का ही मेरा हमेशा से मेरा इंटरेस्ट है कि कोई नया ब्रांड को ही मैं रिव्यू करूँ। तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम आपको घलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटा सा वीडियो है। छोटे से वीडियो में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एयरबड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ट्रूके बी टी जी थ्री वाला, तो ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसकी साउंड क्वालिटी बताऊंगा, कॉल क्वालिटी बताऊंगा, बैटरी बताऊंगा, अंत पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताऊंगा, प्राइस के हिसाब से क्या कुछ है। जो भी आपका सवाल है, कुछ भी सवाल आपका क्वेश्चन होगा ना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना। कमेंट सेक्शन में पूछा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो। स्टार्ट करते वीडियो को। बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, तो बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा दिखता है। मतलब लुक वाइज में आपको मज़ा आ जाएगा देखने में कि भाई क्या कुछ तो चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कुछ तो गजब का चीज़ है। चार्ज करना पड़ता है। इसकी सबसे जो बड़ी खास बात, या मैं बुरी बात बोलूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, कुछ कुछ एयरबड ऐसे हैं जो आपको सिंगल चार्ज करना है सिर्फ एयरबड को और आपको 3 दिन तक बैटरी बैकअप मिलता है, और कुछ एयरबड ऐसे हैं जो आपको केस के साथ में चार्ज करना है। मैंने कि एयरबड तो 2 घंटे चलेंगे, लेकिन अगर आप केस रखोगे अपने साथ में उसका चार्जिंग केस, तो उससे आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि यहाँ पर इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे अच्छा लगा है। मतलब थोड़ा ठीक ठाक है ओवरऑल, बाकी एयरबड से तो अच्छा ही इसका साउंड क्वालिटी मेरे को लगा है। तो उस मामले में अगर आप मुझे बोलोगे इसका साउंड क्वालिटी को उसका रेटिंग देने के लिए, तो भाई इसका जो बेस है दैट इज़ गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पंची है, मैं इतना समझता हूँ कि नॉर्मल है, एक नॉर्मल बेस के जैसा है। और हाँ, क्लैरिटी बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका, क्लैरिटी बहुत अच्छा है। कॉल कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो यूट्यूब देखने के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी चीज़ अगर आप कॉल में अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी ऐसा चीज़ होगा, तो उसमें आपको ये काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पर बैटरी इसका जो है वो आपको 10 आवर का आपको बैटरी मिलता है, यानी कि 10 आवर अगर आप सिंगल चार्ज करते हो तो 10 घंटा आपका चलेगा। लेकिन केस के साथ अगर आप चलोगे, यानी कि अगर आप इसे 3-4 बार अगर आप इसे चार्ज करो, तो 48 आवर्स का आपको देगा बैटरी बैकअप। तो समझ लो कि 5 बार चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसमें 3-4 बार दिखा, यानी 3-4 बार आप चार्ज कर सकते हो। प्राइस है इसका 1100 रुपया। तो क्या 1100 रुपये प्राइस में आपको 3-4 बार आपको चार्ज करना चाहिए? मतलब आप 1100 पे कर रहे हो और ऐसे में आपको कोई खास चीज़ भी आपको नहीं मिल रहा, और प्लस आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप 3-4 बार से चार्ज कर रहे हो आपका सिंगल केस को रख के। तो क्योंकि केस आप साथ में रख रहे हो तो आपका वज़न और बढ़ जाएगा। एयरबड को हम इसलिए एयरबड बोलते हैं क्योंकि वो ना कैरी करने के लिए बहुत इजी होता है, इसीलिए हम एयरबड लेते हैं। लेकिन अगर उसी एयरबड में अगर आपको चार्ज केस भी लेना पड़े, तो फिर वो एयरबड का कोई नाम आप एयरबड चार्ज केस रख दो ना, क्योंकि फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि एयरबड काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, कैरी करने में बहुत आसान होता है। तो इस वजह से हम लोग इसे मोस्टली कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, जो भी ऐसा चार्जिंग केस वाला सीन होगा ना, 1 टाइम चार्जिंग में अगर आपको मिलता तो वही आप लेना।